और चलिए शुरुआत करते हैं भोपाल से खबर। आपको बताते हैं जेपी अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है। 700 जंबो सिलेंडर वाला ऑक्सीजन प्लांट जिसका शुभारंभ किया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच अस्पताल में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। जेपी अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ये शुभारंभ कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जेपी अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है। 700 जंबो सिलेंडर वाला ऑक्सीजन प्लांट, इसके साथ ही नव निर्मित 18 बिस्तर के आईसीयू वार्ड का भी उद्घाटन किया गया है। अरे यार, कोरोना संक्रमण के बीच व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है जो कि लोगों को संजीवनी देने का काम ऑक्सीजन प्लांट के जरिए किया जाएगा। जेपी अस्पताल में नया ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुआ है जिसका शुभारंभ कर दिया गया है और इसके साथ ही बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। नवनिर्मित 18 बिस्तर के आईसीयू वार्ड का भी उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जेपी अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। 700 जंबो सिलेंडर वाला ऑक्सीजन प्लांट जिसका शुभारंभ प्रभुराम चौधरी ने किया है और मंत्री प्रभुराम चौधरी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नवनिर्मित 18 बिस्तर के आईसीयू वार्ड का भी उद्घाटन करते हुए नजर आए। 6 KL का ये हमारा ऑक्सीजन टैंक यहाँ पर स्थापित किया गया है और सभी जिला चिकित्सालयों में हमने ये ऑक्सीजन के जो टैंक हैं हमारे लिक्विड ऑक्सीजन रखने के वो सब जगह पर बना रहे हैं। आज यहाँ जेपी अस्पताल का इसका शुभारम्भ किया गया है। दूसरा, यहाँ बच्चों की गहन चिकित्सा इकाई 10 बेड की है उसका भी आज शुरुआत कर रहे हैं। 18 बेड का हमारा ICU SDU है उसका भी शुभारम्भ कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर कोविड के पेशेंटों को भी हम उसमें रख पाएंगे। और ये योगा सेंटर है उसका भी आज यहाँ शुभारम्भ कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, स्कूल अभी भी चालू है, आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस ही होना चाहिए? जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब जिला लेवल पर क्राइसिस कमेटियां बनाई हैं, ब्लॉक लेवल पर भी, ग्राम पंचायत और ग्राम लेवल पर भी। जिला क्राइसिस कमेटियों के जिस तरीके से रिकमेंडेशन आती है, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोग पर डे समीक्षा करते हैं और जैसे ही जिलों की जो रिकमेंडेशन आएंगी उसके आधार पर आगे निर्णय लिए जाएंगे। संख्या बढ़ रही तो संख्या बिल्कुल नहीं ले सकते अभी जो संख्या निश्चित रूप से संक्रमण की ये बढ़ रही है, लेकिन जो भी अभी पॉजिटिव आ रहे हैं ज़्यादातर हमारे आइसोलेशन में है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट कम हो रहे हैं और सरकार पूरा इस पर नज़र रखे हुए और पर डे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो गाइडलाइन है अभी 50% की कैपेसिटी से और अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे उसमें स्कूल जाते हैं। सर, भोपाल और इंदौर में तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं सर। इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, महानगरों में केसों की संख्या दूसरे जिलों की अपेक्षा अधिक है और हम लोगों ने टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ाई हुई है। और आप लोगों के माध्यम से आम नागरिकों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें।